जिंदा रहेंगे 10 साल, और जब धीरे धीरे कलयुग आएगा फिर तो 1 साल हो जाएगा। जैसे कि देखा जाए चींटी जन्म लेता है मर जाता है, कोई कोई ऐसे जानवर होते हैं ना सवेरे जन्म लेते हैं शाम को मर जाता है, वैसे हम मच्छर भी हो जैसे। जाएंगे। हाँ मच्छर मच्छर जैसे आज देखे ना जन्म हुआ थोड़ी देर बाद मर जाता है, मर जाता है। जैसे उसी तरह एक दिन ऐसा आएगा बस 1 साल में ही बस फिर आप सत्य हो जाएगा। ऐसे बहुत से जानवर तो एक दिन में, इसलिए ये कलयुग ऐसे कलयुग आएगा। अभी इतने कम समय को अंदर में इतने सारे शास्त्र पढ़ करके समझना कठिन है। अगर सारे वेद को पढ़े, सारे उपनिषदों को पढ़े, सारे पुराणों को पढ़े, हाँ सारे गीता को पढ़े, पूरा रामायण को पढ़े, कहाँ इतना समय है। अगर 1 साल 10 साल जिंदा रहेगा तो कितना पढ़ेगा, हाँ नहीं पढ़ेगा। इसलिए सबसे ऐसे एक ग्रंथ होनी चाहिए जो ग्रंथों को पढ़ ले और जल्दी जल्दी समझ जाए, और जल्दी जल्दी समझ करके सारे शास्त्र बोलना क्या चाह रहा है। हाँ अगर ये चीज समझ लग जाए सारे शास्त्र क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर पहले अगर इतना समझ में आ जाए बस जीवन में वही काम करो और संसार से चल जाओ, ठाकुर के पास में चले जाओ। इसलिए उन्होंने फिर ये बृहद भागवत अमृतम ग्रंथ उन्होंने फिर उन्होंने ये ग्रंथ उन्होंने बनाया। हाँ ये ग्रंथ को उन्होंने बनाया, फिर ग्रंथ को बना करके फिर उन्होंने थोड़ी समय को अंदर में श्री परीक्षित महाराज ने अपना मैया को थोड़ी सी समय को अंदर में ही बात को फिर बोल दिया, बोल करके फिर उन्होंने धीरे 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 फिर उन्होंने धाम की महिमा, नाम की महिमा, गिरिराज की महिमा, महिमा यमुना नदी की महिमा, फिर उन्होंने सारी चीज की महिमा को उन्होंने बोले। हैं सारी चीज की महिमा को बोलते बोलते फिर भक्ति कहाँ से प्रारंभ होता है, फिर वहां से भक्ति किए, फिर धीरे धीरे बढ़ते 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 फिर सीधा गोलोक वृंदावन तक पहुंचा दिया। पहुंचा करके फिर मैंने जो कथा है मैंने वहां पर मैंने प्रारंभ किया था, कितना दिन, 4 दिन हमने क्लास दिया, 4 दिन में सबकी महिमा बोलते 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 कहाँ तक, वैकुंठ तक गया था। फिर उसके बाद में वहाँ जो कथा है कि श्री प्रहलाद महाराज की कथा, फिर कल अगर वो लोग शुरुआत करेंगे तो फिर मैं वहीं से फिर वो कथा को फिर मैं वहीं से कर जा करके पिछली बार मैंने सुनाया था। ठीक है बंद कर दो प्रसाद वालों।